am Sapna here on the behalf of Paramount Public School. Welcome to your math class, beta. As you know, chapter money is going on. In this video, beta, I will start exercise 2 of chapter money. Let's start, beta. First sum, convert rupees into paise. तो आपने रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करने हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज बेटा 7 रुपीस इक्वल टू डैश पैसे. अब आपने रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना है तो 1 रुपीस इक्वल टू 100 पैसे. तो आपने 7 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो कितने पैसे आ गए बेटा 700. तो आंसर इज 700. 7 रुपीस इक्वल टू 700 पैसे. टेक वन मोर एग्जांपल रुपीस 3. तो एक और मेथड है बेटा, आप राइट हैंड साइड 20 ऐड कर दो तो वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा. तो 3 रुपीज़ में कितने पैसे हैं बेटा 300 पैसा. तो आपने राइट हैंड पर 20 ऐड कर देंगे. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कन्वर्ट इनटू पैसे. अब आपने फिर से पैसे में बदलने हैं. यहाँ पे 5 रुपीज़ एंड 60 पैसा और एक्स्ट्रा पैसे दिए हुए हैं तो 5 रुपीज़ के क्या बन जाएगा बेटा 500 और 60 पैसा हम इसमें ऐड कर देंगे. 500 प्लस 60 इज इक्वल टू 560 पैसा. क्लियर. नेक्स्ट इज एक वन मोर एग्जांपल ₹8 and 40 पैसा. ₹8 का क्या बन जाएगा बेटा 800 और प्लस 40 पैसा तो क्या आ गया आंसर 840 पैसा. क्लियर. नेक्स्ट है बेटा कन्वर्ट पैसे इंटू रुपीज. अब आपने पैसे को रुपीज में बदलना है. आपने लास्ट 2 डिजिट है वो छोड़ देने हैं और आगे ले लेना है, मतलब इसको डिवाइड कर देना है 100 से. जब 100 से डिवाइड करें तो हमारे पास कितने रुपीज आ जाएंगे 2. इट मीन्स 200 पैसा इज इक्वल टू 2 रुपीज. क्लियर. टेक वन मोर एग्जाम्पल 100 पैसा इज इक्वल टू डैश. लास्ट 2 डिजिट कट करके हमारे पास कितने आ गए बेटा 4. इट मीन्स 400 पैसे में कितने रुपीज हैं 4. क्लियर. नेक्स्ट हेडिंग है बेटा कन्वर्ट इनटू रुपीज एंड पैसे. अब आपने आपके पास 255 पैसे दिए हुए हैं. आपने इसको रुपीज और पैसे में कन्वर्ट करना है तो आपने लास्ट 2 डिजिट छोड़ के बाकी क्या हो जाएंगे रुपीज और जो रह जाएंगे वो पैसे. तो यहाँ पे हमारे पास 2 रुपीज 55 पैसा. क्लियर. टेक वन मोर एग्जांपल 645 पैसे. अब आपने लास्ट 2 डिजिट छोड़ देने हैं वो तो हमारे पैसे हैं तो हमारे पास पीछे क्या बच गया 6 रुपीज एंड 45 पैसा. क्लियर. नेक्स्ट है बेटा पेज नंबर 110 मेंटल मैथ्स. फर्स्ट सम इज 5 रुपीज एंड 50 पैसा. अब आपने पहले 5 रुपीज को चेंज करना है पैसा में, कितने बन गए 500 और 50 पैसा उसमें ऐड कर दिया तो हमारा आंसर क्या आएगा 550 पैसे. क्लियर. नेक्स्ट इज बेटा 200 पैसा इज इक्वल टू डैश रुपीज. अब इसमें कितने रुपीज हैं आपने 20 कर देते हैं क्या बच गया हमारे पास 2 रुपीज. 200 पैसा इज इक्वल टू 2 रुपीज. क्लियर. नेक्स्ट इज 3 नोट्स मेकिंग अ सम ऑफ ₹5. आपने 3 नोट लेने हैं और उसका सम किसके बराबर होना चाहिए 5 रुपीज बनने चाहिए वो. आई एक्सप्लेन इट अगेन. 3 नोट्स मेकिंग अ सम ऑफ ₹5 कि 5 का नोट है आपके पास उसके 3 नोट्स कौन कौन से होने चाहिए हमारे पास 2, 2 and 1. 2 plus 2, 2, 4, 4 plus 1, 5. तो हमारे पास 5 रुपीज बन जाएंगे और 3 नोट्स हो गए. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ 5 रुपीज क्वाइंस. सॉरी बेटा यहाँ पे 5 क्वाइंस इन अ 50 रुपीज. तो आपके 5 क्वाइंस कितने होंगे 50 रुपीज में वो निकालने हैं आपने. तो आपने इसको 50 के साथ डिवाइड कर देना है. 5 के टेबल में 50 कितने पर आता है 10. इट मीन्स कितने क्वाइंस है हमारे पास 10 क्वाइंस है 50 रुपीज में. कितने क्वाइंस है 5 के 10. नेक्स्ट इज द नोट ऑफ स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन अवेलेबल. ये सबसे छोटा नोट किसके बेटा हमारे पास 1 रुपी. आई होप यू